सर ये सभी रजिस्टर्ड, मैं आपसे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो जो है मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से शेयर कर रहा हूं, सो दैट आप लोगों को कल मार्केट में ट्रैप में ना फंसो, आप लोग पैसा कमाने का सोच सको। सो निफ्टी फ्यूचर्स का ये चार्ट है, 5 मिनट का, बैक टू बैक आप देख रहे होंगे सर, मार्केट गैप डाउन खुल रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गैप डाउन खुल रही है, फिर ऊपर जा रहा है, अब फिर इसने देखो कल हो सकता है फिर गैप डाउन खुले और ऊपर जाए, है ना। तो अगर गैप डाउन खुले तो कहां तक खुलना चाहिए सर? 15670 तक का हो सकता है एक पावरफुल सपोर्ट हो, मार्केट यहां पे गैप डाउन खुलेगा और फिर हो सकता है ऊपर बाउंस बैक दे। तो कल आपके लिए रणनीति बता रहा हूं मेरे दोस्त, आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, 15670 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये लेवल टूटा आप बिंदास सेल कर सकते हो। मेरा टारगेट 15570 और जो तीसरा टारगेट है 15370 का है, और अगर इसने यहां पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने का कुछ पैटर्न बना तो यहां पे बाइंग करने का सोच सकते हो। मेरा जो टारगेट है 15947 है। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो, फंसना नहीं चाहते हो, इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। कब करना है? 15947 के ऊपर बिंदास बाइंग करो, 16147 का पहला टारगेट, 16170 का दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट 16248 का होने वाला है। अब ये प्योर इंट्राडे लेवल्स दे रहा हूं, सो दैट आप लोग इंट्राडे में पैसा कमा सको। और हाँ, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो दोस्तों फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिससे कि उनके लाखों रुपए बचा सको, फ्री में वो लोग भी कमा सके। अब ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, अब देखो ध्यान से समझना, बैक टू बैक मार्केट एक रेंज में चल रहा है, देख रहे हो इसकी भी सेम पैटर्न, गैप अप खुला एक ही रेंज में, गैप अप खुला एक ही रेंज में, गैप अप गैप डाउन खुला एक ही रेंज में, गैप डाउन खुला आज भी एक ही रेंज में। सो निफ्टी में तो मूवमेंट दिख रही है बट बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो कुछ समंदर में तूफान जब आता है उससे पहले शांति होती है, तो कुछ वैसी शांति है, मुझे तो वैसी कुछ शांति दिख रही है। अब आज देखो लास्ट में जाते थे वॉल्यूम दिया है, मार्क माई वर्ड 33156 तक वेट करना है, इसके नीचे आता है बिंदास सेल करेंगे। 32670 का पहला टारगेट, 32456 का सेकंड टारगेट, 32356 का थर्ड टारगेट रहने वाला है। और अगर बाय चांस कल कोई गुड न्यूज आती है और बाहर के मार्केट में तेजी आती है और आपको दिखता है कि एग्जिस्ट निफ्टी भी प्लस में है, गैप अप हुआ, तो एकदम से बाइंग नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। जब तक ये किंग रिसर्च का लक्ष्मण रेखा ना टूट जाए तब तक कोई बाइंग नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूं। 33830 के ऊपर आएगा देन ओनली आई विल गो फॉर द बाइंग साइड। मेरा टारगेट 34630, 34856 एंड 35156 तक का टारगेट है। कोई चेंजेस नहीं किए, जो मैंने कल लेवल अपडेट किए थे आज भी बैंग ऑन हूं मेरे दोस्त। आप लोगों ने आज अगर बैंक निफ्टी में लॉस किया तो गलती आपकी है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, लेवल्स ऑलरेडी दिए हैं। भैया इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, जो राइटर्स है मोटा पैसा कमाए कि नहीं कमाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ बस अगेन बोलूंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल्स बना रहा हूं, जिससे कि आप पैसा कमाओ और सीखने का सोचो ये लेवल्स कैसे बनते हैं, क्या सीखना चाहते हो, आई एम रेडी टू टीच यू। मिलते हैं 11 जुलाई को जो कि हमारा ऑनलाइन क्लास है, टॉप पे जहां दुनिया का स्टॉप लॉस लगती है वहां पे मैं सेल करवाने की कोशिश करता हूं, बॉटम पे जहां पे आप लोग सेल करने का सोचते हो वहां पे मैं बाइंग करने का सोचता हूं। थिंक लाइक ऑपरेटर, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। सीखना चाहते हो कम एंड ज्वाइन, 90 डेज का हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया क्योंकि सर आज 8 बजे मेरा एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और सेशन है, तो मुझे वहां पर जाना है, तैयारी करनी है। सो थैंक यू आज के लिए, अपना प्यार देते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा, और अगर 1% भी आपको हेल्प हो रही है तो सर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।